कह रही हो, ये जो सचिन है ना हमारे परिवार को खराब कर देगा। कौन बोला था उससे भारत से नहीं पाकिस्तान से लड़की लाओ। अरे भैया आप भी क्या बात करते हो, उससे बोलेगा कौन, वो तो प्यार है प्यार, तो बॉर्डर भी पार करा दिया, अगर लड़की हो तो सीमा जैसी। देखो कैसी बातें कर रही है। तुम ना उस सीमा का पक्ष कम लो। मम्मी वैसे लड़की सीमा से ज्यादा बलवान सचिन है। वाह सचिन, सबसे अलग प्यार, पाकिस्तान से सीमा लाऊंगा, रात भर डीजे बजाऊंगा, क्या प्यार है। चुप रहा कर। चुप। हमारे ऊपर फालतू चिल्ला रहे हैं, कहीं मेरी मेहरारू पे कोई असर ना हो जाए सीमा का, मैं तो बड़ा टेंशन में हूँ। हाँ भैया, आपकी अपनी मेहरारू पे भरोसा नहीं है क्या, क्या भैया, या आप में ही कुछ कमी है। चुप, मुझ में कोई कमी नहीं है। तू ना अपने बारे में सोच, मेरी तो शादी हो गई है, तेरा क्या होगा। अरे भैया अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, अब अगर हमारे इंडिया में लड़की कम भी पड़ जाए फिर भी शादी हो जाएगी, पता है कैसे, पाकिस्तान जा करके। अब तो पाकिस्तान से शादी करूंगा। अबे ओए तू चुप होगा कि नहीं होगा, बोल ही चला जा रहा, यहाँ छोटी बहन बैठी है, शर्म नहीं है तुझे, इसीलिए बोल रहे थे ये सीमा हमारे घर को बिगाड़ देगी बिगाड़। नहीं नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, सीमा तो और अच्छा है कि हमारे देश की लड़की और लड़कियों को ज्ञान दिया है। वाह बहन क्या बात बोली है तुमने, हम लोग सीमा का इतना पक्ष ले रहे हो, हमको लग रहा सीमा का ज्यादा असर हमारे परिवार पे हो रहा है। देखो मैं देखो इन नालायकों को देखो, मन तो कर रहा दोनों की एक एक गुद्दा मारे और सीमा आता कभी मारे। सच्ची भैया आपका गुद्दा मारने का मन हो रहा, कोई नहीं जब इतना ही मन हो रहा है अभी बुलाती हूँ सीमा को और उसके प्रेमी को। इसीलिए तो आई हो तुम हमारे देश में फेमस होने के लिए, वैसे तुम्हारा लवर कहाँ है। इसके लिए तो मैं अपने पति परिवार देश दुनिया सबको छोड़ कर के आई हूँ। अरे तो अपने देश में ही रहती ना, इस लवर को वहीं बुला लेती, साला पता नहीं क्या होगा हमारे देश का और हमारे परिवार का। अरे भाई साहब होगा क्या, आपको तो खुश होना चाहिए, हमारे कारण अब अपने प्यार के लिए अपना देश छोड़ेंगे। सीमा और सचिन में मुझे खास तो कुछ दिख नहीं रहा, देखने में तुमसे छोटा लगता है। तुम्हें नहीं पता मैंने इसको 3 साल में फंसाया है, केवल और केवल मुझे फेमस होना था इसलिए। देखो सीमा हम बता रहे हैं तुम चली जाओ अपने देश बॉर्डर पार करके, तुम ना यहाँ इंडिया आ करके यहाँ के बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही हो। ना जी ना जी, अब मैं पाकिस्तान वापस थोड़ी जाऊंगी, और देखो तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, अगर तुम ज्यादा बोले ना तो तुम्हारे घर को अपना घर बोल दूंगी और तुम्हें अपना है घर। क्या सीमा तुम मुझको छोड़ दोगी, हे भगवान मैं क्या सुन रहा हूँ, सीमा तुम मुझे छोड़ दोगी। अरे नहीं मेरी लवर, तुम इतने सुंदर हो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी, मैं तो बस इसको धमकी दे रही हूँ। वाह वाह अब तुम यही करोगी, सबको बोलती रहोगी ज्यादा मत बोलो, तुम्हें अपना हैदर बना लेंगे और 4-4 बच्चे लेकर तुम्हारे घर आ जाएंगे। एक काम कर, तू देश से जब जाना तो जाती रहना, अभी मेरे घर के बाहर जा तू, जा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, निकल जा मेरे घर के बाहर। मैं जा रही हूँ, पर देखना तेरा भाई एक पाकिस्तानी लेकर के आएगा बॉर्डर पार लड़की, देखना तुम
बोल करके गई है। क्यों रे, तूने उसे कुछ बताया तो नहीं है या उसने तुझ पे कोई जादू टोना कर दिया है? अरे भैया, क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कुछ गलत नहीं बोली। कब कैसा समय आएगा कौन जानता है। देख, ऐसा समय आए भी ना, उससे पहले तू इस घर से चले जाना और कभी वापिस लौट के ना आना। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। ठीक है भैया, मैं तो पाकिस्तान से दुल्हनिया लाऊंगा, रात भर डीजे बजाऊंगा। यो मम्मी, मैं जा रहा हूँ दुल्हनिया लेने। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा? अरे सुन तो, पाकिस्तान मत जा। अरे बेटा सुन। अरे जाने दो, सीमा तो बॉर्डर पार कर गई, ये ना कर पाएगा, इसके पिछवाड़े में गोली पड़ेगी।